जगत की अनेक प्राचीन सभ्यताओं ने सृष्टि निर्माण के पीछे कोई सृजनात्मक ऊर्जा है इस संकल्पना को स्वीकार किया है तथा उसका जिक्र किया है। उनका विश्वास था कि ये वैश्विक चेतना प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त हुई एवं सूर्य ये उस वैश्विक सत्य की प्रतिमा है। एक और सामान्य बात इन सभी सभ्यताओं में नजर आती थी वो ये कि एक प्रक्रिया में विश्वास जिसमें अग्नि में विशिष्ट औषधि एवं पौष्टिक पदार्थों का ज्वलन करके अंतर प्रकृति व बाह्य प्रकृति में संतुलन बनाए रखा जाता है। ऐसे ही प्रक्रिया का वेदों में उल्लेख है जिसे यज्ञ कहते हैं। संस्कृत धातु यज से यज्ञ शब्द बना है जिसका अर्थ है अर्पण करना। अग्नि के माध्यम द्वारा वातावरण में औषधि एवं पौष्टिक तत्वों पदार्थों का प्रसारण करने की प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं। अनेक वैज्ञानिक तत्वों के एकत्रित प्रभाव से यज्ञ के अंतिम परिणाम निकल आते हैं। इस प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग यानी अग्नि है जो प्रधान भूमिका निभाता है। औषधि वनस्पति या हवीर द्रव्य की आहुतियां अग्नि में अर्पण की जाती हैं। इन पदार्थों के ज्वलन से यज्ञ के परिणाम पाए जाते हैं। वैदिक शास्त्रों में यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ऐसे पूरक वातावरण की निर्मिति करता है जहां अध्ययन तथा इतर नियमों का अनुपालन आसान हो जाता है। उस वातावरण में सकारात्मकता एवं रचनात्मकता पनपती है। यज्ञ मानवी मन और शरीर के लिए स्वास्थ्यदायी है तथा वनस्पति जीवन के लिए भी लाभदायी है। यज्ञों के वर्णन में अनेक बार अश्व गरुड़ इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मूलतः यज्ञ के चयन के दौरान स्वास्थ्यकारी ऊर्जा निर्माण व प्रसारण की गति को वे निर्देशित करते हैं। गरुड़ ऊर्जा की वातावरण में ऊंची उड़ान को दर्शाता है तो वहीं अश्व जिस गति से ये ऊर्जा चारों ओर प्रसारित होती है उसे सूचित करता है। ऊर्जा क्षेत्र का आड़े यानी समस्तरीय यानी हॉरिजॉन्टल एवं खड़े यानी ऊंचे यानी वर्टिकल स्तरों पर कैसे प्रसारण होता है इसका चित्रण करने हेतु वो विशेषण है। यज्ञ के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं: अग्नि। वैदिक तत्वज्ञान में अग्नि या ऊर्जा को बड़ा उच्च स्थान प्राप्त है। प्रथम वेद ऋग्वेद की पहली ऋचा की शुरुआत अग्नि शब्द से होती है जिसमें अग्नि का आवाहन एवं उसकी स्तुति है। पवित्र अग्नि का जातवेद इस नाम से निर्देश किया है मतलब ऐसा वो जिसके लिए वेदों का जन्म हुआ। अग्नि के लिए वैनानी विद्वान ऐसा भी निर्देश है यानी सभी ज्ञान का जनक या प्रवर्तक। अग्नि को हव्य वाहन भी माना गया है क्योंकि यज्ञ के दौरान उसमें अर्पित पदार्थों का वो वहन करता है। अग्नि को शुद्धिकारक या शुचिकारक भी कहा गया है जो साफ शुद्ध और पवित्र करता है। विशिष्ट मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्नि में आहुतियां अर्पण की जाती हैं। मंत्र संस्कृत भाषा में होते हैं। संस्कृत की वर्णमाला विशेष कंपन शक्ति से संपन्न होती है। इनके गुड़ संयोजित उच्चारण से खास ध्वनि लहर उत्पन्न होती है। ये कंपन में ध्वनि लहर कल्पनातीत ऊर्जा से भरी हुई होती है। उसके वातावरण में तथा प्राणी एवं वनस्पति जीवन पर अत्यंत संतुष्टकारी परिणाम होते हैं। यज्ञ के लिए आवश्यक कुंड या पात्रों का विशिष्ट प्रकार एवं आकार होता है। ये आकार अचूक ज्यामिति का आयाम के अनुसार होना चाहिए। यज्ञ में अलग अलग उद्देश्यों के अनुसार अलग अलग आयाम और आकार के कुंडों का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा का उचित निर्माण व सही दिशा में योग्य प्रसारण हो इस उद्देश्य से कुंडों की रचना की जाती है। ईंट मिट्टी गाय का गोबर इनके मिश्रण से कुंड बनाते हैं।
कभी ताम्र जैसे धातु से बने पात्र भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सब पदार्थ ऊर्जा के अच्छे वाहक हैं। जो आहुति अग्नि में अर्पित की जाती है उसे हविर द्रव्य कहते हैं। अलग अलग प्रकार के यज्ञों में उनके उद्देश्यों के अनुसार अलग अलग पदार्थ अर्पण किए जाते हैं। यज्ञों में इस्तेमाल होने वाले सभी पदार्थों में औषधि गुण तत्व होते हैं। यज्ञों में इस्तेमाल के लिए समीधा प्रमुखता निम्नलिखित यज्ञीय वृक्षों से प्राप्त करनी चाहिए। औदुम्बर, फीकस ग्लोमेराटा, पीपल यानी फीकस रेलिजियोसा, अश्वत्थ यानी फीकस बेंगालेनेसिस, बिल्व यानी ईगल मोर मेलोस, पलाश यानी ब्यूटिया फ्रोंडोसा, घी यानी घृत, गाय के दूध से बना घी यानी गौघृत ही यज्ञों में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे प्राणी जैसे कि भैंस आदि से बना घी पूर्णतया त्याज्य है। आयुर्वेद के अनुसार घी में अनेक औषधि गुण हैं, जो अग्नि में दहन के पश्चात वातावरण में प्रसारित होते हैं। आयुर्वेद गौघृत को कायाकल्प एवं दीर्घायु प्रदान करने वाला आहार मानता है। गाय बकरी ऐसे विविध प्राणियों का दूध यज्ञ प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाता है। आयुर्वेद ने दूध को संपूर्ण आहार करार दिया है। वो क्षुधावर्धक है एवं पाचक भी है। यज्ञों में अलग अलग प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल और तिल का प्रयोग किया जाता है। यज्ञों से इनकी पौष्टिक ऊर्जा निसर्ग में प्रसारित होती है। यज्ञ का चयन निर्धारित क्षेत्र पर घर में या अस्थाई पंडाल में किया जाता है। जिस जगह यज्ञ होता है उसे यज्ञशाला या यज्ञ स्थल कहते हैं। इस ढांचे का निर्माण खास अनुदेश एवं स्थापत्य संबंधी नियमों के अनुसार किया जाता है। वस्त्र से लिपटी डंडियां अथवा बंबुओं से ढांचा बनाया जाता है। फूस की बड़ी झोपड़ी भी यज्ञ के लिए काम आ सकती है। वैदिक यज्ञ का चयन प्रमुख पुरोहित या अधवर्यु द्वारा होता है। होता, उद्गाता, ऋत्विज ऐसे पुरोहित चयन में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। ये अलग अलग पद हैं जिनका निर्वाहन विविध वैदिक विद्वान करते हैं। यज्ञ के चयन हेतु वे एकत्रित यानी जमा होते हैं। बड़े यज्ञों का चयन समाज को बड़े पैमाने पर लाभदायी परिणाम प्रदान करने हेतु होता है, और जो होम या यज्ञ इसी प्रकार का लाभदायी परिणाम वैयक्तिक या पारिवारिक स्तर पर प्रदान करने हेतु होता है उसे अग्निहोत्र कहते हैं। प्रतिदिन सायं प्रातः ठीक स्थानीय सूर्योदय सूर्यास्त के समय पिरामिड आकार के विशिष्ट आकार के ताम्र या मिट्टी के पात्र में गाय के कंडों से प्रज्वलित अग्नि में दो चुटकी अखंड चावल को दो चार बूंद गाय के घी से चुपड़कर दो संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुतियां अर्पण करना अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र दो शब्दों से बना है, अग्नि और होत्र, यानी स्वास्थ्यदायी परिणाम पाने हेतु अग्नि में किया हुआ अर्पण या ज्वलन। अग्निहोत्र जो होमोथेरेपी या अग्नि चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है, एक वैदिक स्वास्थ्यदायक प्रक्रिया है जो मानवीय मन एवं शरीर को प्राकृतिक ताल चक्रों के साथ संतुलन स्थापित करती है और इससे जीवन अधिक पोषित और समृद्ध बनाती है। विधि सूर्योदय सूर्यास्त के ताल चक्रों से जुड़ी होने के कारण अग्निहोत्र ठीक अचूक स्थानीय सूर्योदय सूर्यास्त के समय किया जाता है। वो एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जिसके विधायक परिणामों को आधुनिक एवं प्राचीन शास्त्रज्ञ, विचारवंत और विशेषज्ञों ने प्रमाणित किया है। अग्निहोत्र का आचरण कोई भी कहीं भी कर सकता है, फिर चाहे वो घर, दफ्तर या बगीचे में हो। आज विश्व भर में लोगों ने अग्निहोत्र को एक लाभदायी एवं अत्यंत उपयुक्त स्वास्थ्यकारी प्रक्रिया के रूप में अपनाया है, क्योंकि ये किसी भी विशिष्ट धार्मिक या सांप्रदायिक बंधनों से मुक्त है। सांप्रत युग में परम सदगुरु ने शिवपुरी से इस तकनीक का पुनर्जीवन किया और सारी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करवाया। वेदों में अग्निहोत्र का जिक्र पाया जाता है। वेदों के अनुसार अग्निहोत्र ये एक प्राचीनतम उपासना पद्धति है जो हमारी निजी चेतना
तथा वैश्विक चेतना में एक के निर्माण करती है। अग्निहोत्र आचरण हमारे शरीर, मन, आत्मा व पर्यावरण को सकारात्मक दृष्टि से प्रभावित करते हुए आंतरिक संतुलन तथा आध्यात्मिक आनंद की ओर हमें अग्रसर करता है। वैदिक स्रोत सूत्रों के अनुसार ये अग्नि उपासना हर रोज करनी चाहिए। पुरुष सूक्त में भी नित्य दैनिक अग्निहोत्र आचरण पर जोर दिया गया है। कथक संहिता अग्निहोत्र की स्तुति करते हुए कहती है कि देवताओं ने अग्निहोत्र आचरण द्वारा देवत्व प्राप्त किया और वे स्वर्गलोक पहुंचे, अर्थात शाश्वत सुख प्राप्त किया। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ने अग्निहोत्र को एक नाव की उपमा दी है जो स्वर्ग यानी शाश्वत सुख की ओर ले जाती है। उसे अविनाशी होम ऐसा संबोधित किया है, मतलब उसका स्वास्थ्यदायी या कल्याणकारी चक्र अखंड कार्यरत रहता है। अग्नि में सभी को एकत्रित लाने की क्षमता होने से अग्निपात्र से निकलने वाली स्वास्थ्यकारी ऊर्जा परिवार के सभी सदस्यों के मन मस्तिष्क को जोड़ देती है, प्रेम के बंधन से और निकट लाती है। वेद इसे बड़े सुंदर उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं, जैसे कोई चक्के या पहिए के आगे लगे तार उसके मध्य बिंदु की ओर केंद्रित होते हैं। उसी प्रकार परिवार के सभी सदस्यों के मन अग्नि की ओर केंद्रित होते हैं।